टाइम हो गया। मैं कार रह गई यार, जल्दी आ जाओ। आई जी। मैक। चलो मैक, ऑफिस चलते हैं। चलो। और हाँ, आज ना शाम को बाहर खाने चलेंगे, ठीक है? नहीं नहीं, बाहर क्यों खाओगे? मुझे बताओ ना, मैं घर पे बना दूंगी खाना। अरे नहीं नहीं, रोज रोज घर का खाना भी ठीक नहीं होता, कभी कभी बाहर भी खा लेना चाहिए। क्यों पैसे खराब कर रहे हो आप? आप मुझे बता देना, मैं बना दूंगी आपके लिए। अरे मेरी जान, तेरी इस याद से फिदा हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो वो ऑफिस चलते हैं, शाम की शाम को ही देखेंगे। चलो ठीक है। आप चाय लोगे या कॉफी? अरे मेरी जान, तो इतने प्यार से कह रही है, तो एक कप चाय ही पिला दे। चलो तो आप बैठो ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है, लेके आओ। अरे नमस्ते भैया जी। नमस्ते भाभी जी। और कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप बताओ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। भैया लग बहुत अच्छे रहे हो, शर्ट तो आपकी बहुत ही अच्छी लग रही है। अच्छा हाँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसे हो? हाँ मैं भाभी जी, आपकी साड़ी तो एक नंबर लग रही है। की? थैंक यू जी। कहाँ से खरीदी? बॉम्बे से। बॉम्बे से जी। ये लो जी, चाय पियो। आपकी चाय की तो मैं बहुत फैन हूँ, आप इतनी अच्छी चाय बनाते हो ना कि पूरे मोहल्ले में फेमस है आपकी चाय। आपको तो आपके लिए खाना भी बना दूँ। अरे नहीं नहीं भाभी जी, कैसी बात करो, खाना तो मैं अपने घर जाके खा लूंगी। अच्छा भाभी जी मैं चलती हूँ, मुझे घर पे बहुत सारे काम है। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। कितनी अच्छी है ना भाभी जी। हाँ हाँ, कुछ ज्यादा ही अच्छी है। मेरा बस चले ना तो मैं इसे अपने घर में घुसने तक ना दूँ। आई बड़ी अच्छी। अरे यार ऐसे क्यों बोल रही हो, ठीक तो है, अच्छी है बेचारी। बहुत ज्यादा ही ठीक है। अरे नमस्ते भैया जी। अरे भाभी जी आप? क्या बात है, संडे मना रहे हो अकेले अकेले, वो भी चाय के साथ? अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। अरे रखिए क्या? हाँ हाँ, मुझे पता था कि भाभी का आने का टाइम होने वाला है, तो मैंने एक्स्ट्रा बना ली थी। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ जल्दी लेके आओ। लाता हूँ। मैं तो रोज इनके यहाँ चाय ही पीने आती हूँ, इनके घर की चाय मुझे इतनी पसंद है। थैंक यू भैया जी, थैंक यू। आपको पता है मुझे आपके घर की चाय इतनी पसंद है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अच्छा भैया जी एक बात बताओ, भाभी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्या बात है, घर पे नहीं है? अरे नहीं नहीं, वो तुम्हारी भाभी जी ना जरा ऑफिस गई है आज। ऑफिस? वो भी आज संडे के दिन? हाँ, कुछ एक्स्ट्रा काम था उसको, तो बॉस ने फोन किया था तो इसलिए ऑफिस गई है। बॉस ने फोन किया था? अरे भैया जी आपको पता नहीं है आजकल के बॉस ऐसे ही होते हैं, क्या पता कुछ गोलमोल कर रहे हो। अरे नहीं नहीं, कैसी बात करी भाभी जी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भैया जी आपको नहीं पता आजकल के बॉस ऐसे ही होते हैं, वो ना चिकनी चुपड़ी बातों में, संडे वाले दिन क्या काम है? होगा कुछ काम इसलिए गई है, वरना वो नहीं जाती, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अरे भैया जी आपको पता क्या, मेरा पति का भी ना चार चार लड़कियों से चक्कर चल रहा था, इसलिए मैंने उसको लात मार दी। चलो ठीक है, तुम उसको फोन करके देख लेता हूँ। हाँ हाँ करके देख लो। फोन कट कर रही है? देखा मैंने कहा था ना,
आपका फोन भी नहीं उठाया। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक बार और करता हूँ। अरे कर लो, इस बार भी नहीं उठाएगी। देख लो भैया जी, कहीं चिड़िया हाथ से ना निकल जाए। वैसे भैया मुझे ना जरा कुछ काम याद आ गया था, मैं घर निकलती हूँ। चाय बहुत अच्छी। यार कहीं ये सही तो नहीं कह रही, वैसे भी औरत के बदलते देर नहीं लगती। अरे नहीं नहीं चलो एक बार और कॉल करके देखता हूँ, शायद कहीं बिजी होगी। स्विच ऑफ कर लिया। अब तक नहीं आया यार, बहुत टाइम हो गया। जान आ गई तुम। आपको पता है आज ऑफिस में क्या हुआ? ऑफिस में आज बहुत बड़ी मीटिंग थी, एक से एक वीआईपी लोग आए हुए थे। और जान प्लीज आप ना गुस्सा मत हो ना, मैंने आपको कॉल नहीं उठा पाई। ऑफिस में ना बहुत बुरा लगता लोगों को। सॉरी आपकी ना दो तीन कॉल आई और मैं उठा नहीं पाई, कैसे उठाती मीटिंग के बीच में। आपको पता है जान, आज ना बॉस ने मेरे से खुश होकर मुझे 10,000 रुपए बोनस में दिए हैं। अच्छा लगता है बॉस कुछ ज्यादा ही खुश है तुझसे। हाँ हाँ खुश क्यों नहीं होंगे, ऑफिस में ना सबसे ज्यादा काम मैं ही करती हूँ। वैसे सुनो मैं ना बहुत थक गई हूँ, आप बैठो मैं आराम कर लेती हूँ। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आओ खाना खा लो। नहीं नहीं खाओ, खाना तो मैं घर पे ही खाती हूँ, वो तो बस चाय पी लेती हूँ मैं आपके हाथ की। क्या है कि आप चाय बहुत अच्छी बनाते हो ना। अच्छा भाभी जी भैया कहीं नहीं दिखाई दे रहे, क्या बात है, भैया जी कहाँ हैं? वो तो आज सुबह सुबह ही चले गए थे, पता नहीं कहाँ गए, बता कर भी नहीं गए थे। भाभी संडे के दिन ही घर से गायब हो गए भैया? होगा कुछ काम उनको इसलिए चले गए। काम वाम है या कहीं कुछ और ही, या किसी दूसरी पार्टी से तो कहीं चक्कर में चला रखा उन्होंने? अरे नहीं नहीं ये कैसी बकवास कर रही हो तुम, मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है। अरे आजकल बीवियों को तो कुछ पता ही नहीं चलने देते आदमी, ये मर्द होते ही ऐसे हैं। अरे नहीं नहीं वो ऐसे नहीं है, मैं जानती हूँ उन्हें। अच्छा तो ऐसी बात है, एक काम करो भाभी आप फोन मिला के देखो भैया को। इनका तो फोन ही नहीं लग रहा। देखा भाभी मैंने तो पहले ही कहा था दाल में कुछ काला है। मेरा क्या, मैं तो पड़ोसन हूँ, मेरा तो सिर्फ समझाने का फर्ज था तुम्हें, बाकी समझो ना समझो तुम्हारी मर्जी। अच्छा तो भाभी मैं अब चलती हूँ, पर हाँ एक बात का ध्यान रखना, अपने पति का अच्छे से ख्याल रखा करो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि इन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई हो। आने दो आज इन्हें, देखती हूँ। आर्यन कहाँ गए थे तुम? कहाँ गया था? आर्यन मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ गए थे तुम? कहाँ गया था? मैं कहीं भी जाऊँ तुझे क्या मतलब है? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? और कैसे बोलूँ,
जब तू संडे के दिन जा सकती है, एक्स्ट्रा काम कर सकती है, तो मैं क्या बाहर नहीं जा सकता? मैं नहीं लेके आ सकता बोनस? आर्यन तुम इतना गंदा सोच सकते हो मेरे बारे में? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बस चुप, मुझे सब पता है, तू कहाँ चल रही है कहाँ नहीं चल रही, ला रही है ना बॉस से बोनस, जा लेकर आ, मैं भी यूं ही बोनस लेके आऊंगा। छी आर्यन, तुम्हारी कितनी गंदी सोच है, अब मैं तुम्हारे साथ ना एक मिनट नहीं रहूंगी। तुझे मेरे साथ रहना है तो रह, नहीं रहना मत रह, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोनस लाना ला, बॉस के साथ रहना ना, साथ रह, मुझे भी तेरी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हेलो मीना, और बता कैसी है? अरे मैं ठीक हूँ, एकदम मस्त। अरे मैंने तो सबके घर में आग लगा रखी है, मेरे तो काम ही यही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चल ठीक है, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। अरे भाभी जी, किसके घर में आग लगा दी? अरे ये पूछो किसके घर में आग नहीं लगाई, मेरा तो काम ही आग लगाने का है। मुझे ना बड़ा मजा आता है दूसरों के घरों में आग लगा के। वो जो आर्यन और महक नहीं है, उन दोनों के बीच में झगड़ा करा दिया मैंने। अच्छा भाभी। हाँ बस देखने जा रही हूँ, हाथ सेकने जा रही हूँ कि क्या हुआ है। यार कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, अपना घर तो संभाला नहीं जाता, दूसरों का घर बर्बाद करने में लगे हुए। भगवान के घर देर जरूर है पर अंधेर नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं कितना प्यार करती हूँ आर्यन से, और उन्होंने मेरी इतनी सी भी इज्जत नहीं रखी। अरे मैक, मैक कहाँ जा रही हो? अपने घर जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी, इससे ज्यादा सहन नहीं होगी मेरे से अपनी बेइज्जती। यार मुझे माफ कर दो, घर जाके क्या करोगी, यहीं रहो मेरे पास। क्या माफ कर दो, बेइज्जती करवाने के लिए अपनी? यार मुझे माफ कर दो, हाँ मैंने कल ज्यादा कुछ बोल दिया, मेरी गलती थी। तुम्हें पता है इस सारी मुसीबत की जड़ कौन है? कौन? वही अपनी पड़ोसन, उसी ने हम दोनों के बीच में ये लड़ाई करवाई है। हाँ उसने ना आपके बारे में मुझे भी बहुत उल्टा सीधा बताया था। हाँ तो वही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, घर मत जा पागल, हम दोनों के बीच में लड़ाई करवाने वाली वही थी। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार तो ना मैं भी आपसे बहुत करती हूँ। हाँ ठीक है मेरी जान, चल ठीक है, जाकर जाके कॉफी बना ले, तो मैं साथ में बैठ कर पियेंगे। ठीक है। मेरी जान आज कॉफी तो बड़ी अच्छी बनाई है। चलो चलो मस्का मत लगाओ। अरे नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आपने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी, फिलहाल तो अच्छे ही हैं। क्या क्या मतलब? मतलब क्या, मतलब साफ है, तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी हम दोनों को अलग करने में। वो तो हमारा टाइम अच्छा था जो हम संभल गए। मैं आपको एक सलाह दूं, अपने पति को वापस बुला लो और दूसरों के घरों में ना आग लगाना छोड़ दो। भाभी जी आप तो गलत समझ रही है, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं आपका घर खराब करूं। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देके बाहर निकालूं, निकल जाए यहाँ से। लो जी मुझे क्या पड़ी है मैं तुम्हारे घर में आग लगाऊं, मेरे पे तो पहले ही बतेरे काम है, उल्टा मैं तुम्हारा घर संभालने में लगी हुई थी। हाँ नहीं तो बहुत काम है मुझे। देखा मैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चलो कोई बात नहीं, तुम बताओ। अरे छोड़ो ना, आप भी कहीं भी कुछ भी करने लग जाते हैं। कैसे छोड़ दूं?